गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो बहुत दिनों बाद मुंबई में धूप हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी। और आज मुझे शूट पे जाना था, एक एड शूट कर रही हूँ, उसके लिए जा रही हूँ मैं मड में। बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर तेज़ तेज़ बारिश होगी तो मैं कैसे जाऊँगी, बट भगवान मेरे से खुश हो गए और धूप कर दिए, इसलिए मैं आराम से अब जा सकती हूँ शूट पे। तो अब मैं जा रही हूँ, और किस चीज़ का शूट है वो सेट पे पहुंचकर मैं आप लोगों से बताऊंगी। जब तक आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि क्या क्या होता है शूट पे। ओके, सो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप वर्सोवा से मड जेटी कैसे जाओगे। जो फर्स्ट टाइम अगर जा रहा है मड में शूट करने के लिए, या मड में कुछ काम हो तो जा रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये जो है, मैं यहाँ से ऑटो मैंने ले लिया अपने घर के पास से ही। मैं अपने घर के पास से बस 5 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे रहती हूँ मड जेट्टी से, तो मैं यहाँ से ऑटो लेकर मड जेट्टी जाऊँगी। तो आपको मड जेट्टी जब जाओगे ना, तो बीच में वर्सोवा का ये ना फिश मार्केट आपको मिलेगा। यहाँ पे मतलब आप लोग देख सकते हो, जो जितने मराठी लोग हैं ना, वहाँ पे अपना मार्केट लगाते हैं फिश का। और सुबह सुबह सारी, ये सुबह का वक्त है, आई थिंक उस वक्त 8 बज रहे थे इस वक्त था। 8 बजे की ये मार्केट है, आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह की 8 बजे। और इतनी क्राउड, इतनी भीड़ है, लोग आए हैं फिश लेने के लिए, अलग अलग तरीके का फ्रेश फिश लेने आए हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो लेते ही हैं, खाते ही हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये वर्सोवा का फिश मार्केट है, जो कि रास्ते में पड़ता है जब आप मड जेट्टी जाते हो। तो यहाँ से मैं मड, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट चला जाएगा अंदर, और जाकर एक फेमस डेयरी है, फेमस डेयरी से लेफ्ट लेगा, और फेमस डेयरी से लेफ्ट लेकर ये हमारा जेट्टी आ गया। तो यहाँ से 2 बोट जाती हैं, एक तो आप 10 रुपए देकर जा सकते हो, नहीं तो एक 5 रुपए देकर जा सकते हो। तो मैं 10 रुपए वाले से जा रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी जाता है और खाली रहता है। और जो 5 रुपए वाला रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, उसमें साइकिल भी जाता है और बाइक भी जाते हैं, तो क्राउड हो जाता है। तो इसलिए मैं इसी से जाती हूँ जब भी शूट पे जाना होता है। आप देख लेना आपको कैसे जाना है। और ये देख सकते हो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे जाना है। तो आपने देख लिया कि कैसे जाना है, मैं बोट पे बैठ गई हूँ। देन पार करने के बाद मैं ऑटो ले ली, और जहाँ मेरा सेट है मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, ताकि 7-8 मिनट का वीडियो बन जाए और मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर पाऊँ कि शूट कैसे होता है। आगे वीडियो में चलकर जैसे कि देख रहे हो, मैं आ गई हूँ ग्रीन रूम में, और एक छोटा सा ग्रीन रूम का टूर दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप देख लो, ये हमारा मेकअप कॉर्नर है, यहाँ पर हम मेकअप करेंगे। और ये यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, कि आर्टिस्ट जब थक जाए तो यहाँ पर रेस्ट करे। और ये एंट्रेंस है, और ये एक बड़ा सा रूम है, और उधर वॉशरूम है, और ये रही मैं। और आप लोगों से अभी मैं रेडी वगैरह होकर मिलूंगी, इससे पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ और नाश्ता कर लेती हूँ, और दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या क्या है और सेट पे कैसा ऑर्गेनाइज करके ये लोग रखते हैं। ओके, सब कुछ दिखाती हूँ A to Z। बने रहिए ब्लॉग के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। ओके, कंटिन्यू मैं वीडियो जब भी शूट पे जा रही हूँ वीडियो लॉग कर रही हूँ, और अपने लिए मेमोरीज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म कॉफ़ी आ गया है, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीते पीते स्क्रिप्ट भी पढ़ूंगी कि सीन क्या करना है। और ये जो शूट है वो मैं आपको बताती हूँ, स्विगी के लिए है, स्विगी के लिए एड शूट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे मेकअप दादा आ गए, यहाँ पे मेरा मेकअप कर रहे हैं, और जो लुक है बंगाली लुक देना है, तो अच्छे से मेकअप हो रहा है मेरा। और फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मेकअप हेयर या कॉस्ट्यूम मैं सब पहन लूँगी अच्छे से, तो आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी होगी तो एक थम्स अप दे दें, और अगर साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालू ना, जब भी कभी शूट पे जाऊँ या वीडियो लॉगिंग करूँ या कोई भी वीडियो डालूँ, तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग मेरा वीडियो देख पाओगे। तो बस यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया वापस से, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। यहाँ पे देखिए, फुल लुक दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मैं देख रही थी इयररिंग्स कौन सा पहनना है, झुमका पहनना है या टॉप्स पहनना है, और यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग हो रही थी कि प्रॉपर जो लाइटिंग है वो आर्टिस्ट पे आए, तो वही सेटअप हो रहा था। तो एक कॉर्नर में खड़ा करवा दिया था जहाँ शूट चल होने वाला है उधर ही, कि वहाँ पे लाइटिंग चेक करने के लिए। तो मैं इधर ही खड़ी थी, और इधर ही खड़े होकर ही मैं वीडियो अपना रिकॉर्ड कर रही थी, यह सारी चीज़ें ले रही थी मेमोरीज के लिए, कि हाँ मैंने शूट किया था स्विगी के लिए। और ये जो है मेरी डायरेक्टर थी, इस एड की डायरेक्टर थी, जो कि इस एड को डायरेक्ट कर रही थी। और बस ये झुमका फाइनल हुआ था कि हाँ मुझे यही झुमका पहनना है। और ये लुक तो मुझे अच्छा लगा, बट ये बंगाली में जैसे कि साका पोला बोलते हैं ना, वो पहनते हैं, बट वो लोगों ने नहीं पहनाया, बस चूड़ियाँ ही पहना दिया। ठीक है, इट्स ओके। और यहाँ पे बैठकर कुछ नहीं कर रही थी मैं, कुछ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि टाइम पास हो जाए। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, फुल लुक, फाइनल लुक तो देख ही लिया आपने, ये फुल लुक है मेरा। देखो कुछ ऐसी देख रही हूँ मैं। अगर आप लोग और भी मुझे देखना चाहते हो, रील भी बनाया है मैंने, तो जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे पिक्स, अच्छे अच्छे रील्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरा मेकअप हो चुका है और अब मैं घर जाऊँगी, पहले मेकअप रिमूव करूँगी। काफ़ी टाइम से मेकअप चेहरे पे, मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, कभी ज़्यादा मेकअप चेहरे पे रहता है ना काफ़ी टाइम तक, तो एलर्जी होने लगती है। तो लेट्स सी, अभी मेकअप रिमूव करते हैं, फिर घर के लिए जाते हैं। ओके, तो मेरा पैकअप हो चुका है। मैंने आकर सबसे पहले ग्रीन रूम में अपने बालों को खोला, फिर उसके बाद देख रही थी, सोच रही थी कि इस लुक में भी फोटो ले लेती हूँ, हेयर ओपन है। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्टर आई थी, तो मैंने बोला था कि मेरा फोटोग्राफ्स ले दो, तो उन्होंने अच्छे से फोटोग्राफ्स ले दिया। फिर मैं ऑटो में बैठकर फिर जा रही थी, मेरे चेहरे पे इचिंग होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब भी मेकअप करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये वेदर आप देखो गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है। ओह माय गॉड, जैसे देख सकते हो वेदर कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर सा दिख रहा है। आप लोग देखिए बादल, और ये कलर क्या प्यारा लग रहा है। और उस पर से ये वर्सोवा विलेज के बिल्डिंग्स आप लोग देख सकते हो, कितना प्यारा, कितना बढ़िया फील आ रहा है। और ये हमारा समुद्र, इसे कहते हैं वर्सोवा जेट्टी। और हो गया है पैकअप, अब मैं जाऊंगी घर। तो चलिए, आप लोगों को आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे यहीं किसी शूटिंग के ही वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।